नमस्कार दोस्तों, मैं आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी और पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारियों का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रांगण में और विशेष पत्रकार वार्ता में स्वागत करता हूं। आदरणीय श्री राहुल गांधी जी अपनी बात अब आपके समक्ष रखेंगे। आदरणीय राहुल जी, मैंने कैंपेन में कहा था कि जनता मालिक है और जनता ने आज क्लियरली अपना डिसीजन दिया है। उसको भैया थोड़ा तो मैंने कैंपेन में क्लियरली बोला था कि जनता मालिक है और मालिक ने ऑर्डर दिया है, डायरेक्शन दिया है। तो मैं सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को, बीजेपी को बधाई देना चाहता हूँ, जो हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कैंडिडेट जो लड़े, पूरा दम लगा के दिल से लड़े, उनका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, दो अलग अलग सोच है। एक नरेंद्र मोदी जी बीजेपी की सोच है, दूसरी कांग्रेस पार्टी की सोच है, दो अलग विजन्स हैं। मगर हमें यह मानना पड़ेगा कि इस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी जीते हैं, तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपके कोई सवाल हो? We will have a meeting of the working committee and they will decide that day. Can you you can leave between me and the working committee if possible. Mr. Fokan from the Hindu. Can you sir, let him ask? There is somebody who is already asking. What do you think went wrong? You had a very sustained campaign for 2.5 months. Frankly, today, with all due respect, today is the day of the mandate and I don't want to color the decision of the people of India by getting into a long conversation with you about what I think went wrong. Frankly, today it doesn't matter what I think went wrong. What matters is what the people of India have decided, that Narendra Modi is going to be Prime Minister. And as an Indian person, I fully respect that. आज ही चुनाव खत्म हुआ, आज ही रिजल्ट आया, तो मैं इस पे आज स्क्रिप्ट नहीं देना चाहता हूँ। मैं सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को बधाई देना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो लड़ाई है वो विचारधारा की लड़ाई है और मैं जो हमारी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, जो जीते हैं, जो हारे हैं, उनसे कहना चाहता हूँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, डरो मत, एक साथ हम लड़ के अपनी विचारधारा को जिताएंगे। बिल्कुल कोई कॉन्फिडेंस नहीं होना आपको, पर हम जानते हैं कि इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को मानते हैं, जो कांग्रेस पार्टी में बिलीव करते हैं, और हम उनको बताना चाहते हैं घबराओ मत। सर, अमेठी के नतीजे क्या कहेंगे? सर, अमेठी के लिए क्या बोलना चाहेंगे? सर, अमेठी के नतीजे से मैं कहना चाहूंगा कि स्मृति ईरानी जी जीती हैं, उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। अमेठी के जनता ने अपना डिसीजन लिया है, मैं उस डिसीजन का रिस्पेक्ट करता हूँ। ये लोकतंत्र है और मैं चाहूंगा कि स्मृति ईरानी जी प्यार से अमेठी की देखभाल करें, जो भरोसा अमेठी की जनता ने उनमें रखा है उसको वो पूरा करें। और मैं अब अंत करना कहना चाहता हूँ, देखिए बहुत लंबा कैंपेन था और उसमें मैंने एक लाइन रखी, मेरी लाइन थी कि मेरे ऊपर जो भी गलत शब्द प्रयोग किए जाए, मेरे को जो भी गाली लगाई जाए, जो भी किया जाए, मैं प्यार से रिस्पॉन्ड करूंगा। और मैं वही कहना चाहता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं सिर्फ वापस प्यार से बोलूंगा। ये मेरी फिलॉसफी है। राफेल भ्रष्टाचार रहेंगे क्या? आज मैं उसके बारे में बोलना नहीं चाहता हूँ, बाद में बहुत समय है। आज मैं गद्रुम करना चाहता हूँ। सबसे पहले आप सबको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपको भी मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप इस देश के प्रेस हो, आपने
चुनाव में काम किया, आपने अपनी पोजीशन रखी, इसके लिए भी आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। अभी आई वॉन्ट टू से दैट टुडे इज नॉट द डे फॉर मी टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस मैंडेट। टुडे इज द डे दैट ए न्यू प्राइम मिनिस्टर हैज बीन इलेक्टेड एंड टुडे इज द डे टू विश हिम ऑल द बेस्ट एंड टू होपफुली he would look after the interest of this. Thank you very much.